सिद्धीश्वरा आचार्या जिन शासनोन्नति करा, पूज्या उपाध्याय का शिर सिद्धांत सुपाठ का मुनिवरा, रत्नत्रया राधिका पंचयते परमेष्ठिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलं परमागमस्य जीवं निषिद्ध जात्यन्ध सिन्धुरविधानं सकलनय विलसितानं विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तं अरहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मंगल के उपकारी हैं। तिन को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तुम इस काज सब आज भय कर जोरी वारंवार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई चिन्मय को, आपने इस कार्यक्रम की मंगल व शुरुआत की। अब मैं इस गोष्ठी का परिचय देना चाहूँगा। ये जो साप्ताहिक गोष्ठी है, इस साप्ताहिक गोष्ठी का विषय है देव शास्त्र और गुरु। प्रतिवर्ष की भांति प्रारंभ के ही क्रम में इस गोष्ठी को रखा जाता है, जिसका एक बहुत बड़ा कारण है कि यह विषय बहुचर्चित तो है परंतु इस विषय में हमें योग्य विस्तार और विशुद्धता की बहुत अधिक आवश्यकता है, क्योंकि यह जैन आगम के मुख्य विषयों में से एक है तथा आज इसी विषय पर हमने गोष्ठी आयोजित की है। क्योंकि यही विषय श्रद्धा का मूल आधार है, इसलिए मैं सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप सभी इस विषय को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनें। तथा एक और विशिष्ट बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो क्रम रखा गया है वक्ताओं का, वह कनिष्ठ वरिष्ठ इस प्रकार क्रमिक रूप से नहीं रखा गया हुआ है, परंतु विषय की गंभीरता के अनुसार, कक्षा के अनुसार उस क्रम को रखा गया है, इसलिए आप सभी इसका विशिष्ट ध्यान रखें। और इसके कुछ नियम भी हैं, जैसे कि सबसे पहले जितने भी वक्तागण हैं सभी प्रथम पंक्ति में आकर बैठ जावे, और सभी वक्ताओं को 5 मिनट का ही समय दिया गया है। 4 मिनट पर आपकी पहली बैल बजेगी, 5वां मिनट होते ही दूसरी बैल बजेगी, और उसके बाद यदि आप अपना विषय प्रस्तुत करते हैं आगामी, तो अध्यक्ष महोदय अंक काटने में सक्षम रहेंगे। और यह एक नियम सभी विद्यार्थियों के लिए सामान्य है, सभी को मुख्य बिंदु नियम से प्रत्येक वक्ता के निकालने हैं, क्योंकि किसी भी वक्ता के पश्चात किसी भी विद्यार्थी को खड़ा कर दिया जाएगा और किसी भी विद्यार्थी के मुख्य बिंदु आपको प्रस्तुत करने होंगे। चलिए अब आइए बढ़ते हैं विषयों की तरफ। मैं बुलाना चाहूँगा उपाध्याय कनिष्ठ से भाई चिराग जैन को, जिनका विषय है देव का स्वरूप। आगे तैयार रहे भाई संस्कार जैन शास्त्रीय तृतीय वर्ष। अभी भाई चिराग जैन। ओम नमः सिद्धेभ्या। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं मेरे सभी साधर्मी भाइयों एवं बहनों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज के इस प्रवर्तमान आध्यात्मिक ज्ञान गोष्ठी का जो मूल विषय है वह देव शास्त्र गुरु का स्वरूप, और जिसमें से मेरा प्रतिपादित केंद्र बिंदु है सच्चे देव का स्वरूप। तो सर्व मैंने अपने जो विषय है उसको 4 भागों में विभाजित किया है, जो कि आप PPT के माध्यम से देख सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम सच्चे देव की परिभाषा समझेंगे। जो वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी होता है वही सच्चा देव है। इसके संदर्भ में जो मेरी भावना है उसमें इस प्रकार आया है कि जिसने राग द्वेष का माधिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया, अर्थात जिनने मोह राग द्वेष पर जीत विजय प्राप्त कर ली है, जो सर्व लोकालोक को जानते हैं और जो हमारे आत्महित का निष्प्रय उपदेश देते हैं वही सच्चे देव हैं। सच्चे देव अर्थात आप्त। तो आप्त का लक्षण समझाते हुए आचार्य समंत्र भद्र अपने रत्नकंठ श्रापकाचार के 5वें श्लोक में इस प्रकार लिखते हैं, आप्तेनोच्छिन्न दोषेण सर्वज्ञेन गमेशिना भवितव्यम नियोगेन नान्यथा याप्तता भवेत। अर्थात कि आप तो नहीं कहते हैं जो निर्दोष होते हैं अर्थात दोषों से रहित होते हैं, जो सर्व को जानते हैं वह सर्वज्ञ होते हैं और हमारे आत्महित का उपदेश देते हैं, इसलिए वह हमारे लिए हितोपदेशी हैं। वह आगम के ईश्वर है, क्योंकि जो आगम में जो बात लिखी है वह दिव्य ध्वनि से होकर ही आई है, इसलिए उनको आगम का ईश्वर कहा है, और ऐसे ही सच्चे देव कहलाते हैं।
अब जो हमारा संसार है उसमें अनेक धर्म है। कोई धर्म का कहता है कि हमारे बुद्ध सही हैं, कोई कहता है वीर सही है, कोई कहता है हरि सही है। तो आप तुम्हें मानसा में इस प्रकार आया है कि चाहे तुम उनको बुद्ध कह दो, वीर कह दो, हरि कह दो या महावीर कह दो, लेकिन उनके पास जो यह तीन गुण हैं, वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदिष्टता, यह उनके पास होना ही चाहिए, तभी वह सच्चे देव कहलाएंगे, अन्यथा वे सच्चे देव होने में सक्षम ही नहीं है। अब हम यह जो तीन गुण हैं जिससे हम सच्चे देव बन सकते हैं उनके बारे में समझेंगे। सर्वप्रथम हम वीतरागता का स्वरूप समझेंगे। वीतरागता अर्थात जो राग द्वेष से रहित हैं, जो मोह राग द्वेष से रहित हैं। मोह राग द्वेष का जो मूल कारण है वह 18 दोष है। तो उसके संदर्भ में छह ढाला में इस प्रकार आता है कि वह जो आप PPT के माध्यम से देख ही सकते हैं कि जो जन्म, जरा, तिरखा, क्षुधा, यह जो 18 दोष हैं उसमें आखिरी में लाइन आई है कि इन सब से जो रहित होते हैं वही वीतरागी होते हैं। ना ही होते जिस जीव के वीतराग से हो, अर्थात जो इनसे रहित है वही वीतरागी है, और अगर इन दोषों से एक से भी सहित है तो वह उनका वक्तापना वीतरागता को संभव हो ही नहीं सकता। अब हम सर्वज्ञता का स्वरूप समझेंगे। तो सर्वज्ञ अर्थात जो सब कुछ जानता हो, जो लोकालोक के समस्त पदार्थों को, अर्थात जो भूत में हो गए हैं, वर्तमान में हो रहे हैं और जो भविष्य में होंगे, उन सब पदार्थों को एक साथ एक समय में जानता हो, वही सर्वज्ञ है। इसके संदर्भ में तत्वार सूत्र ग्रंथ में इस प्रकार आया है, सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस, अर्थात जो सभी द्रव्यों की, समस्त पर्यायों को एवं उनके सभी गुणों को एक साथ एक समय में जाने, वही केवली है। इसके अन्यथा वह अगर इनको नहीं जानता है तो वह केवली नहीं हो सकता। अब हम हितोपदेशिता का स्वरूप समझेंगे। जो हमारे लिए आत्महित का उपदेश देते हैं वही हितोपदेशी है। जो हितोपदेशी होते हैं वह वीतरागता और सर्वज्ञता गुण से सहित ही होते हैं। अगर उनको यह गुण नहीं है तो वे हितोपदेशी हो ही नहीं सकते। अब हितोपदेशी हैं तो वीतरागता गुण से सहित है, अर्थात उन्हें किसी से राग नहीं है, तो वह किसी को गलत उपदेश तो देंगे नहीं। सर्वज्ञता है, अर्थात जो झूठ बोला जाता है वह तो अज्ञानता के कारण से होता है, वे तो सर्वज्ञ हैं, वह संपूर्ण लोकालोक को जानते हैं, उन्हें पूर्ण ज्ञान है, इसलिए वह उनका जो उपदेश है वह गलत तो हो नहीं सकता, इसलिए उनका जो उपदेश है वह सच्चा और अच्छा है और हमारे लिए वह लाभदायक है, इसलिए उन्हें यह हितोपदेशिता गुण प्रकट होता है। इस प्रकार हमने वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता का स्वरूप समझा। अब इनसे सहित जो हमारे अरहंत भगवान हैं और सिद्ध भगवान हैं, हम उनका स्वरूप समझेंगे। सर्वप्रथम अरहंत भगवान का स्वरूप इस प्रकार है कि जो गृहस्थ अवस्था का त्याग कर, मुनि धर्म अंगीकार कर, निस्वभाव साधन द्वारा चार घाती कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं, वे ही अरहंत हैं, और वे राग द्वेष से रहित होने के कारण शांत स्वभाव रूप परिणमित हुए हैं। समस्त दोषों से रहित होने के कारण वे देवादिदेव परे को भी प्राप्त हुए हैं, और जिनके वाणी से धर्म प्रचार होता है और भव्य जीव अपना कल्याण करता है, उत्तम पुरुष जैसे गणधर और इंद्रादिक हैं, वह भी उस वाणी को सुनकर के अपना कल्याण कहते हैं। इस प्रकार अरहंत का स्वरूप है। अब हम सिद्ध का स्वरूप समझेंगे कि जो गृहस्थ अवस्था का त्याग कर, मुनि धर्म अंगीकार करके, निस्वभाव साधन द्वारा चार घाती कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं, और कुछ समय बाद अघाती कर्मों का भी क्षय हो जाने के कारण पूर्ण ज्ञानी और पूर्ण सुखी हुए हैं, जो लोक के अग्रभाव में किंचित रूप पुरुषाकार विराजमान हुए हैं, जिनका स्मरण करने से जो भव्य जीव होता है उसको भेद विज्ञान होता है, मतलब जो स्वापर का भेद विज्ञान है और अपने स्वभाव में का जो भेद विज्ञान है वह उन्हें होता है, और ऐसे निष्पन्न जो सिद्ध भगवान हैं उनको मेरा नमस्कार हो। अब मैं अंत में जो दादा के दोहा से तक है उसकी दो पंक्तियों को कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। राग द्वेष से रहित जो जाने लोकालोक, ज्ञानानंदी पुरुष को नम कर दूं मैं ढोक। हम भी सच्चे देव का स्वरूप समझें, वीतरागता का स्वरूप समझें, यह तीनों गुणों का स्वरूप समझकर उनको हम प्राप्त करें और उत्कृष्ट सिद्ध पद को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय जिनेंद्र। वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशक ही सच्चे देव कहलाते हैं, और ऐसे ही सच्चे देव का स्वरूप हमें समझाया हमारे भाई चिराग ने। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ भाई संस्कार जैन शास्त्री तृतीय वर्ष से जो आए तथा अपना विषय प्रस्तुत करें। 12वें एवं 13वें गुण स्थान में 18 दोष तथा परिषहों में अंतर, और आगामी वक्ता के रूप में तैयार रहें नमन जैन। सम्मान्य मंच एवं यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी छोटे बड़े भाइयों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। फिर वर्तमान गोष्ठी का विषय है देवशास्त्र गुरु
उसमें मेरा प्रतिपादित केंद्र बिंदु है 9वें, 12वें, 13वें गुण स्थान में परिसय और दोषों का स्वरूप। पीपीटी के माध्यम से मोस्टली विषय है, इसलिए आप वहाँ पर देखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो सबसे पहले मैंने अपने विषय को दो भागों में विभाजित किया है। पहला 9वें, 12वें, 13वें गुण स्थान में परिसय, 9वें, 12वें, 13वें गुण स्थान में 18 प्रकार के दोष। तो सबसे पहले मेरा जो क्रम रहेगा वो रहेगा 13, 12, 9, मतलब ऐसे गुण स्थान में परिसय। सबसे पहले मैं जाता हूँ अपने पहले बिंदु की ओर कि 13वें गुण स्थान में परिसय। तो गोष्ठी में जो भी मैंने विषय लिया है वो तत्वार सूत्र के आधार से है। तो तत्वार सूत्र का एक सूत्र है एकादश जिने, तो उसमें 13वें गुण स्थान में कितने प्रकार के परिसय होते हैं तो वो बताया है। उसके पूर्व हमें एक बात जानना आवश्यक है, क्योंकि अगर हमने वो नहीं जानी तो हमें 13वें गुण स्थान में किस प्रकार परिसय होते हैं और किस प्रकार परिसय जयी होते हैं वो हमें पता नहीं चलेगा, इसीलिए वो ज़रूरी है। तो मोहिनी कर्म से युक्त अगर कोई भी आघाती कर्म हो तो वो बलवान हो जाता है, मतलब उसकी शक्ति देने अर्थात पावर थोड़ी बढ़ जाती है। वैसे ही आपको दिख रहा होगा कि मोहिनी कर्म से युक्त अगर कोई भी आघाती कर्म है, जैसे वेदनीय कर्म है, वेदनीय कर्म के सद्भाव से 13वें गुण स्थान में 11 प्रकार के परिसय होते हैं। तो अब अगर हम बोलें कि भाई जब 13वें गुण स्थान में 11 परिसय हैं, तो फिर जब 11 परिसय हैं तो उनको उस संबंधी बाधाएं क्यों नहीं है? तो कह रहे हैं कि उनको क्योंकि मोहिनी कर्म जो है ना वो नहीं है। मोहिनी कर्म के सद्भाव से, मोहिनी कर्म से युक्त अगर वेदनीय कर्म होता तो उनको बाधा होती, इस प्रकार बात है। क्योंकि राजा है और राजा के सैनिक हैं। अगर राजा है, राजा यहाँ पे मोहिनी है, अगर राजा अर्थात मोहिनी है तो उसकी सेना कैसी होगी? बलवान होगी। और अगर राजा ही नहीं रहा तो सैनिक वगैरह कैसे होंगे? बलहीन हो जाएंगे। वैसे ही यहाँ पे हमें ध्यान रखना है। अगली क्रम में मैं अपने पहले ही बिंदु के 12वें गुण स्थान में चढ़ता हूँ कि 12वें गुण स्थान में किस प्रकार परिसय होते हैं। तो तत्वार सूत्र में ही दिया गया है कि सूक्ष्म सांप्राय छदमस्त बीतरागयोश चतुर्दशा। कह रहे हैं कि 14 जो 12वें गुण स्थान में कितने प्रकार के परिसय होते हैं, तो कह रहे हैं 14 प्रकार के परिसय होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 13वें गुण स्थान में 11 परिसय और 12वें गुण स्थान में 14 प्रकार के परिसय। और 9वें गुण स्थान पर चलें तो 9वें गुण स्थान में कितने प्रकार के परिसय होते हैं, तो कह रहे हैं कि बादर सांप्राय अर्थात होता है क्या? सूक्ष्म। और सांप्राय अर्थात कसाय, सूक्ष्म सांप्राय कसाय वाले जो गुण स्थान हैं अर्थात 6 से 9 तक के जो गुण स्थान हैं उनमें कितने? 22 प्रकार के परिसय हो सकते हैं। वो आपके स्क्रीन पर पूरे दिए गए हैं तो आप देख सकते हैं। अब आगे हम अपने दूसरे बिंदु की ओर चलते हैं। दूसरा बिंदु क्या है? 9वें, 12वें, 13वें गुण स्थान में 18 प्रकार के दोष। तो जहाँ पे आपको सही और गलत के निशान दिख रहे हैं, जहाँ पे सही का मार्क है तो वहाँ आप याद रखें कि वहाँ पे दुख नहीं है, परंतु क्या है? वहाँ पे तत्संबंधी कर्म का उदय है, इसीलिए वहाँ पे सही का निशान है। और गलत ना तो दुख है और ना ही किसी प्रकार का दोष है, इसलिए वहाँ पे गलत का चिन्ह लगा हुआ है। तो आप इस प्रकार ध्यान रखें। और सारे वहाँ पे बताना तो संभव नहीं है, इसीलिए कुछ मुख्य जो थोड़ा समझने लायक है मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले जन्म, तो जन्म में सबका मना किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि 13वें, 12वें, 9वें गुण स्थान में किसी का जन्म तो होता नहीं है। जन्म सिर्फ किस में होता है? पहले और चौथे गुण स्थान में ही हो सकता है। उसी प्रकार विस्मय, हम विस्मय देखें तो विस्मय में मना किया गया है 13वें और 12वें गुण स्थान में। क्यों? क्योंकि विस्मय किससे होता है, मतलब आश्चर्य किससे होता है? तो मोह प्लस अज्ञान के उदय से आश्चर्य होता है। वहाँ पे ना तो मोह है 13वें गुण स्थान में, 12वें गुण स्थान में, और ना ही अज्ञान है, इसीलिए किसी भी प्रकार का क्या नहीं होता? आश्चर्य नहीं होता है। रोग देखें तो अब रोग 13वें गुण स्थान में सही का निशान लगा है। तो कैसे होते हैं? तो कह रहे हैं कि व्यक्ति रूप में नहीं होते हैं, अव्यक्त रूप में रहते हैं। कैसे? मतलब होते तो उनके हैं ही नहीं हैं, पर उनको नामकर्म, अस्थिर नामकर्म का उदय है, इसीलिए उनको कर्मों का जो अव्यक्त रूप से होना है वो कहा जाता है। और स्वेद अर्थात पसीना, तो पसीना का कहा है कि पसीना उनको नहीं आता। क्यों? क्योंकि उनको परम औदारिक शरीर है। इसी प्रकार 12वें गुण स्थान में निद्रा देखें तो निद्रा का दो निद्रा हो सकती हैं 12वें गुण स्थान में। तो कौन कौन सी हो सकती हैं? तो निद्रा और प्रचला हो सकती हैं। तो उनके लिए आपको उदय विच्छुति देखनी पड़ेगी, उसमें आपको ये सब मिल जाएगा। और अब 9वें गुण स्थान में देखा जाए तो 9वें गुण स्थान में
शोक और चिंता, शोक और चिंता नौभिगुण स्थान भर्ती मुनिराजों को होता है कि नहीं होता है, तो कह रहे हैं कि व्यक्ति रूप नहीं होता है, अव्यक्त रूप उनको हो सकता है, और मरण नौभिगुण स्थान में तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, पर वहाँ पर सही का निशान लगा है तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो किस प्रकार हो सकता है, किस प्रकार नहीं हो सकता है, तो उपशम श्रेणी की अपेक्षा हो सकता है मरण, और छपक श्रेणी की अपेक्षा मरण नहीं होता है। अब पूरा विषय तो हमने देख लिया, दोनों बिंदु देख लिए, पर एक क्वेश्चन हो सकता है हमें, क्या क्वेश्चन हो सकता है कि भाई तेरहवीं जैसे गुणस्थान में, उत्कृष्ट गुणस्थान में भी कर्मों की सत्ता है, तो इसका क्या कारण है? तो इसके लिए अपूर्व अवसर में बहुत सी पंक्तियाँ आती हैं, उन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपना विषय पूर्ण करूँगा, तो आप लोग उनको सुने और ख्याल करें कि तेरहवें गुणस्थान में भी किस प्रकार कर्मों की सत्ता बनी रहती है। चार अघाती कर्म जहाँ बरते प्रभु, जली रेवती बत हो आकृति मात्र, जब जिनकी स्थिति आयु कर्म आधीन है, आयु पूर्ण हो तो मिटता तन पात्र जब। इस प्रकार कुछ विषय था, सभी को सादर जय जिनेंद्र। बहुत ही अच्छा विषय प्रस्तुत किया भाई संस्कार ने। अब आगामी वक्ता के रूप में मैं कनिष्ठ उपाध्याय से भाई नमन जैन को बुलाना चाहूँगा, जिनका विषय है शास्त्र का स्वरूप। आगामी वक्ता के रूप में तैयार रहें भाई प्रशांत जैन शास्त्री तृतीय वर्ष। जीव कर्म के जुदाकरण को ए ही पैनी छैनी है, जिन वाड़ी मोक्ष न सहनी है। ओम नमः सिद्धिव्या। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सम्मान्य मंच एवं मेरे सभी ज्येष्ठ भ्राताओं को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आज के इस आध्यात्मिक ज्ञान गोष्ठी का मूल विषय है देवशास्त्र गुरु, जिसमें मेरा प्रतिपादित केंद्र बिंदु है शास्त्र का स्वरूप। तो सर्वप्रथम हम यह जानेंगे कि शास्त्र अर्थार्थ क्या। शास्त्र अर्थार्थ जो केवली भगवान द्वारा कही गई वाणी है, वही जनवाणी और वही शास्त्र है। इस बात की पुष्टि करते हुए आदरणीय छोटे दादा हुकुमचंद जी भारिल अपनी पूजन में लिखते हैं, वीतरागता की पोषक ही जिनवाड़ी कहलाती है, यह मुक्ति का मार्ग निरंतर हमको जो दिखलाती है। अर्थात जिस वाणी में केवल वीतरागता का ही पोषण होता हो, ना कि हिंसा राग देश मोह इत्यादि का पोषण होता हो, वह वाणी ही जिनवाड़ी है, और यह जिनवाड़ी हमारे लिए निरंतर मुक्ति का मार्ग दिखाने वाली है। इसलिए जिस व्यक्ति के लिए भी अपनी आत्मा का कल्याण करना हो, उसके लिए जिनवाड़ी ही मात्र एक सहारा है। अब आप सभी के मन में एक प्रश्न उठता होगा कि आप सभी ने सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया इत्यादि सबके माध्यम से सुना होगा और देखा होगा कि इस जगत में बहुत सारे शास्त्र कहे जाते हैं जिनमें मोह राग देश इत्यादि का वर्णन है। तो हम जो यहाँ पे वीतरागतापूर्ण शास्त्रों की बात कर रहे हैं, वह कौन से हैं? तो फिर वाचने सुनने योग शास्त्र कौन से हुए? इस बात को स्पष्ट करते हुए आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी अपने ग्रंथ मोक्षमार्ग प्रकाशक के प्रथम अध्याय में लिखते हैं कि जिन शास्त्रों में मोह राग देश का निषेध कर वीतरागता का प्रयोजन प्रकट किया जाए, वह शास्त्री वाचने सुनने योग्य हैं और सच्चे हैं। और जिन शास्त्रों में श्रृंगार कौतूहालिक से राग भाव, हिंसा युद्ध इत्यादि से देश भाव तथा मोह भाव का प्रयोजन प्रकट किया जाए, वह शास्त्र शास्त्र नहीं शास्त्र हैं। और वह शास्त्र के लिए दीपक से तुलना करते हुए कहते हैं कि इस जगत में व्यक्ति है वह बहुत ही नाना नाना प्रकार के दुखों से पीड़ित है और वह मुक्त होना चाहता है। तो यदि वो शास्त्र रूपी दीपक का इस योग में सहारा ले ले तो वह अपने सभी दुखों से मुक्त हो सकता है, सांसारिक कार्यों से मुक्त हो सकता है, क्योंकि जो शास्त्र है वह केवल मोक्ष मार्ग का ही प्रकाशन करता है। अब आप सभी के मन में यह तो आ ही रहा होगा कि सब कुछ बता दिया तो ये सम्यक्त शास्त्र, फिर इनके लक्षण क्या हैं? तो इसको स्पष्ट करते हुए आचार्य समद्भद रत्नगण श्याप का चार में लिखते हैं कि जो वाणी आप द्वारा कही गई हो, अर्थात भगवान द्वारा कही गई हो, और अन्यवादियों मतलब जो अन्य मत हैं उनसे अखंडनीय हो, उनके द्वारा खंडित ना की जा सके, और प्रत्यक्ष और परोक्ष के विरोध से रहे, तो वीतरागत जिसमें वीतरागता की पोषण हो और सबके लिए हितकारी हो, तत्व का उपदेश आता हो, वह वाणी ही मोक्ष मार्ग का प्रकाशन करे और वह वाणी सच्ची है और वाचने सुनने योग्य है। हमारी जिनवाणी है वह अनादि से चार भागों में विभाजित है, जिन्हें हम अनुयोग कहते हैं, जो कुछ इस प्रकार है। प्रथमानुयोग जिन शास्त्रों में महापुरुषों के चरित्र के द्वारा पुण्य पाप का फल बताकर अंत में वीतरागता को हितकर बताया जाए, वह शास्त्री प्रथमानुयोग के शास्त्र कहलाते हैं। कर्णानुयोग जिन शास्त्रों में गणित इत्यादि की मुख्यता होती है, उन शास्त्रों को कर्णानुयोग के शास्त्र कहते हैं।
चरणानियोग के शास्त्र, जिनमें गृहस्थ और मुनि के आचरण की बात होती है और नीति शास्त्र की मुख्यता होती है, उन शास्त्रों को हम चरणानियोग के शास्त्र कहते हैं। और द्रव्यानियोग के शास्त्र, जिन शास्त्रों में आत्म परिणाम की मुख्यता होती है, उन शास्त्रों को हम द्रव्यानियोग के शास्त्र कहते हैं। लेकिन उक्त कहे गए इन चारों अनियोगों में चारों का सार तो वीतरागता ही है। अब हम यह जानेंगे, आप सभी के लिए यह तो लग ही रहा होगा, सब कुछ बता दिया, तो फिर आप सभी के लिए यह बात समझ में नहीं आई कि इस संसार में जितने भी व्यक्ति हैं उन सब के लिए इस बात का ज्ञात नहीं है कि हमारे लिए जिनवाड़ी कितनी दुर्लभता से प्राप्त हुई है, कितने परिश्रम से प्राप्त हुई है। तो जो चतुर्थ काल होता था उसमें आप होते थे तो आपकी दिव्य ध्वनि के माध्यम से जीवों को लाभ मिलता था, लेकिन पंचम काल में आप तो उपलब्ध नहीं है, और जो गुरु होते हैं वह भी आप साधना में लीन रहते तो वह भी हर समय उपलब्ध नहीं होते। इसीलिए जो गुरुओं ने शास्त्रों की रचना की, क्योंकि जो वाणी जो दिव्य ध्वनि में बात आई है वही बात तो शास्त्रों में लिखी गई है, इसलिए जो जिनवाड़ी है वह हमारे पास निरंतर उपलब्ध है। इसलिए जिस व्यक्ति के लिए भी अपनी आत्मा का कल्याण करना है वह चाहे तो रात को 2 बजे भी शास्त्र का स्वाध्याय कर सकता है और अपनी आत्मा को अच्छे भावों से भाव शुद्ध कर सकता है। और बस मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि हम सब भी जिनवाड़ी का स्वरूप समझे और अपनी आत्मा का कल्याण करें। सभी को सादर जय। शास्त्र ही सच्चे मोक्ष मार्ग का प्रकाशन करते हैं, और ऐसी जिनवाड़ी हमें कितनी दुर्लभता से प्राप्त हुई है इस विषय को प्रस्तुत किया भाई नमन ने। अब मैं प्रशांत जैन तृतीय वर्ष से निवेदन करूंगा, वे आए तथा अपना विषय 12 अंगों का वर्णन इसको प्रस्तुत करें, तथा आगामी वक्ता के रूप में भाई अनुज जैन तैयार रहें। तीर्थंकर की ध्वनि गढ़ ने सुनी अंग रचे चुनि ज्ञान मई सोजिन वर वाणी शिव सुख दानी आनंद दानी त्रिभुवन मानी पूज्य भई। आज के इस प्रवर्तमान गोष्ठी में मेरा विषय है द्वादशांग का वर्णन। उससे पहले सभा में उपस्थित सभी साधन मिजनों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र एवं अध्यक्ष महोदय को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। मेरी इस गोष्ठी का जो विषय है वो पितृशास्त्र के स्वरूप से जुड़ेगा, तो मैं इस विषय को 7 बिंदुओं के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। जो बिंदु आप पीछे पीपीटी पर देख ही सकते हैं, अपने पहले बिंदु पर चलते हैं भूमिका। देखिए जिनवाणी बहुत अगाध है, ये जो श्रुत ज्ञान है श्रुत ज्ञान के अंतर्गत पूरी जिनवाणी आ जाती है। श्रुत ज्ञान के 20 वेद हैं, तो 20 वेदों में जो पर नामक भेद है 5वां, उससे लेकर पूर्व समास नामक का जो भेद है पिछली पीपीटी, ये पर नामक भेद से पूर्व समास नामक भेद तक जिनवाणी पूरी आ जाती है। और इसके आप यदि पर देखने जाओगे तो 1834 करोड़ जो अगली पीपीटी 1834 करोड़ जो 20 अंक प्रमाण, ये आप पुनरुक्त अक्षर इतने इन सभी में गर्भित हो जाती हैं, आप पुनरुक्त अक्षर जिनका कभी दोहराव ना हो, ऐसे जो 1834 करोड़ 20 अंक प्रमाण जो अक्षर हैं वो इसमें गर्भित हो जाते हैं। और जो पर नामक भेद है उसके 3 भेद करती हैं अपन, अर्थ पर प्रमाण पर और मध्यम पर। अर्थ पर में जो जितनी अक्षर से श्रोता को समझ में आ जाए, हरिवंश पुराण में तो एक ये मिलता है कि 1 से लेकर 7 अक्षर तक, और अन्य ग्रंथों में कि अनियत अक्षर, मतलब कि जितने अक्षर से श्रोता को अपनी बात समझ में आ जाए उतने अक्षर अर्थ पर कहलाते हैं। प्रमाण पर में आत अक्षर प्रमाण, आपने सुना होगा कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक 12,000 श्लोक प्रमाण हैं, और ये हरिवंश पुराण 20,000 ऐसे कुछ आपने सुने होंगे, तो वो प्रमाण पर के अंतर्गत आ जाती हैं कि जिसमें 8 अक्षरों का समाहार हो वो प्रमाण पर हो जाता है। और अब तीसरा मध्यम पर में अपनी जो जिनवाणी है पूरी आ जाती है, तो मध्यम पर के 1634 करोड़ 11 अंक प्रमाण कुछ आप पीछे देख ही रहे होंगे, तो इतने अक्षर मध्यम पर में आ जाते हैं। अब हम जिनवाणी कैसे निकालें, क्योंकि आप सभी ने सुनी होगी कि 112 करोड़ प्रमाण पर जिनवाणी है, तो उसके लिए एक गणित है कि आप अनुरुक्त अक्षर हैं जितने उनमें से मध्यम पद का भाग देना है और जितना आंसर आएगा वो 112 करोड़ 83 लाख पद आ जाएंगे। तो और मैंने इसका उदाहरण समझने के लिए दिया है, जैसे कि 100 अन्यमति की पुस्तकें हैं और एक समय सार बराबर 20 अन्यमति पुस्तकें, यदि आप 100 को 20 में से भाग देंगे या 100 का 20 में से भाग देंगे तो 5 समय सार आ जाएंगे। तो इसी प्रकार आप अनुरुक्त अक्षर का एक मध्यम पद के अक्षरों में से भाग देंगे तो 112 करोड़ प्रमाण पर जिनवाणी अपने पास उपलब्ध हो जाएगी। तो इस प्रकार ये सामान्य से जिनवाणी के जो पद हैं वो कैसे प्राप्त करें इसका वर्णन था। अब दूसरे बिंदु विषय वर्णन। देखिए आप अन्य
कई ग्रंथों में देखोगे कि कहीं कहीं जो द्वादशांग है उसमें जो 12 अंग हैं उनमें बहुत सारे उनका स्वरूप रक्षण ये सब बताया है। मैं तो पूरा यहाँ पर बता नहीं पाऊँगा, इसलिए 4-5 में बता देता हूँ। जैसे कि आचारांग, आचारांग में क्या बताया है कि जो मुनिचर्या का वर्णन है पूरा आचारांग में। संवायांग में कि संवायांग में द्रव्य गुण पर्याय इत्यादि का वर्णन है। और प्रश्न व्याकरणांग में तो इसमें आक्षेप निक्षेप मतलब कि स्वामत मंदन और परमत खंडन इसका वर्णन प्रश्नों के माध्यम से किया है। और आप दृष्टिवारंग जो 12वां अंग है अपना उसके 5 भेद करते हैं, ये तो 11 अंग हो जाएंगे। उसके बाद जो 12वां अंग है उसके 5 भेद करते हैं, परिक्रम सूत्र प्रथमानुयोग और प्रथमानुयोग पूर्व और चूरिका। तो परिक्रम में चंद्र प्रज्ञप्ति सूर्य प्रज्ञप्ति आदि रोग से संबंधित चीज़ें आ जाती हैं। और जो 363 मत की बात आती है वो तो वैसे पूरे अपन लोग पूरे 12वें अंग से ले सकते हैं, लेकिन जो सूत्र अंग है उसमें अन्य मत का वर्णन होता है। प्रथमानुयोग में हम प्रथमानुयोग की जो कहानियाँ सुनते हैं तो उनका वर्णन प्रथमानुयोग नामक भेद में हो जाता है। पूर्व में आपने जो 14 पूर्व सुने होंगे तो 14 पूर्व का वर्णन उसमें हो जाता है। और चूरिका में मंत्र तंत्र इत्यादि का आपने सुना होगा कि ये व्यक्ति इस मंत्र को बोलकर जल पे चल लेता है और ये व्यक्ति इस मंत्र को बोलकर हवा में उड़ लेता है। तो उसी प्रकार ये अपने यहाँ पे भी इसी चूरिका के अंतर्गत इन मंत्र आदि का वर्णन है। मंत्र तंत्र तपश्चर्या आदि से विद्याएँ कैसे प्राप्त करें इसका पूरा वर्णन है। इस प्रकार विषय वर्णन मैंने बहुत संक्षेप में समझाया, यदि आपको देखना हो तो आप ये आराम से पढ़ सकते हैं, आपको पीपीटी बाद में दे दी जाएगी। अब तीसरा बिंदु वर्गीकरण। मैंने अपने मन से या अपनी बुद्धि के अनुसार ये जो 12 अंग हैं इनके टोटल 37 भेद होते हैं, तो इनको मैंने 6 वर्गों में विभाजित किया है। प्रथमानुयोग कर्णानुयोग द्रव्यानुयोग और चरणानुयोग और प्रश्न संबंधी और अन्य वर्ग। तो उसमें से जैसे कि प्रथमानुयोग है, प्रथमानुयोग में अंतर्कृत दशांग अनुत्तर उत्पाद दशांग क्योंकि इसमें मुनियों की कथाओं का वर्णन है, और कर्ण्याणवाद इसमें तीर्थंकरों के कल्याण का वर्णन है, और प्रथमानुयोग इसमें अन्य जो 63 शराका पुरुष है उनका वर्णन है इस प्रकार। और प्रश्न व्याकरणांग में जिसमें प्रश्न संबंधी हो तो अपना 5वां अंग व्याख्या प्रज्ञप्ति जिसमें 7000 प्रश्नों का वर्णन है जो गणदेव तीर्थंकर से पूछते हैं, ठीक है। और दूसरा ये जो अभी प्रश्न व्याकरणांग तो उसमें प्रश्न सभी प्रश्नों का वर्णन है इस प्रकार से। अच्छा आप एक बात और देखोगे कि हमारे यहाँ पे आयुर्वेद छंद शास्त्र नाटक शास्त्र इत्यादि सभी का वर्णन है। द्वादशांग के अंतर्गत संपूर्ण दुनिया के जितने भी विषय हैं वो सभी गर्भित हो जाते हैं। इस प्रकार ये तीसरा बिंदु हुआ। चौथा बिंदु परिज्ञान। परिज्ञान के अंतर्गत कि कौन से अंग में कितने पद हैं, जैसे कि प्रथमानुयोग में 5000 पद आ जाते हैं और आचारांग में 18000 पद आ जाते हैं इस प्रकार। और सबसे ज़्यादा पद पूर्व नामक भेद में हैं जिसमें 95 करोड़ कुछ अधिक पद आ जाते हैं, और सबसे कम पद प्रथमानुयोग में हैं जिसमें मात्र 5000 पद हैं। वो अपन लोग अगले बिंदु अल्पभौत से देखेंगे। इसका भी वर्गीकरण मैंने अल्पभौत आप समझते होंगे कि कम से ज़्यादा, तो मैंने इसका पद के अनुसार किया है कि सबसे कम पद किस में है और सबसे ज़्यादा पद किस में है। तो सबसे कम पद हैं प्रथमानुयोग में जिसमें मात्र 5000 पद हैं, उसके बाद आचारांग रखा है जिसमें 18000 पद हैं, और सबसे ज़्यादा पद हैं आत्मप्रवाद और कर्ण्याण अनुवाद में जिसमें 29000 इतने कुछ पद हैं, 29 करोड़। अब अपन लोग देखते कहते हैं कि हमारा जो सतखंडागम समयसार इत्यादि जो ग्रंथ हैं वो कहाँ से निकले हैं, द्वादशांग से। तो द्वादशांग से कैसे निकले हैं, तो उसके लिए मैंने सतखंडागम का उदाहरण लिया है कि सतखंडागम 12वें अंग के 4था पूर्व नामक जो भेद है उसमें जो दूसरा अग्रणी पूर्व है, 14 पूर्व में जो दूसरा अग्रणी नामक पूर्व है उसके 5 वस्तु अधिकार हैं। उसमें टोटल 14 वस्तु अधिकार हैं, उसमें से 5वां चैन रवि नामक 5वां जो वस्तु अधिकार है उसके 20 प्रावृत अधिकार में से 4थे प्रावृत अधिकार में से सतखंडागम नामक ग्रंथ निकला है। कसाय पाहुड़ भी इस प्रकार कि अच्छा एक बात और कि यदि आप इसको शॉर्ट में समझना चाहें तो 254, तो 2 मतलब कि दूसरा पूर्व, 5 मतलब कि 5वां वस्तु अधिकार और 4 मतलब कि 4था प्रावृत अधिकार। इस प्रकार से आप सतखंडागम का समझ सकते हैं। और इसी प्रकार कसाय पाहुड़ का 5103
फाइव मतलब की पांचवा पूर्व ज्ञान प्रवार, दसवा वस्तु अधिकार और तीसरा उसमें प्रावृत अधिकार इस प्रकार। और समय प्रावृत मतलब समय सार कहाँ से निकला है, तो इसी पांचवे जो ज्ञान प्रावृत नामक पूर्व है उसके दसवें वस्तु अधिकार में समय प्रावृत नाम का जो प्रावृत है वहाँ से समय सार अपना जो ग्रंथ है वो निकला है। इस प्रकार हमारा तो ये वर्णन हो गया द्वादशांग का, मैंने बहुत संक्षेप में किया है, यदि आपको पढ़ना हो तो पीपीटी में आराम से पढ़ सकती हैं। अब निष्कर्ष क्या निकलते हैं इन सभी के, तो मैंने इसमें कुछ आठ निष्कर्ष निकाले हैं। देखिए हमने अभी देखा था कि आप पुनरुक्त अक्षर कितने हैं, 1834 करोड़, 20 अंक प्रमाण इतने अक्षर हैं। तो यदि हमारी और दुनिया भर की जनसंख्या कितनी है, 800 करोड़, यदि प्रत्येक व्यक्ति 230 करोड़ कुल अक्षर कुछ अधिक अक्षर बोलेगा तब भी 170 करोड़ अक्षर बाकी रहेंगे। आपको जिनवाणी की अगाधता समझ में आनी चाहिए, कितनी बड़ी है, हम उसको पढ़ना चाहें कितना पढ़ सकती हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति 230 करोड़ अक्षर बोलेगा तभी वो पूरी होगी। इस प्रकार पहला बिंदु। दूसरा बिंदु, हमारे महावीर भगवान से सभी को पता है परंपरा चली आ रही है जिनवाणी लिखने की, श्रुत के भी इत्यादि से, तो हमारे पास आते आते वो बहुत ह्रास को प्राप्त हो गई है। तो अब ह्रास को प्राप्त हो गई है तो जिनवाणी का कुछ ही अंश हमारे पास शेष है, मतलब कि दिव्य ध्वनि का कुछ ही अंश हमारे पास शेष है। इस प्रकार तीसरा बिंदु कि दुनिया भर के जितने भी समस्त विषय हैं उन सभी का वर्णन इस द्वादशांग में आ गया है। आप यदि वर्तमान में साइकोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये सब ढूंढने जाओगे द्वादशांग के अंतर्गत, तो आप अगर यदि गहराई से उसका विषय वर्णन का अध्ययन करोगे तो वो आपको मिल ही जाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं मिले। और जो अन्य मतियों में जो योगवाद इत्यादि का वर्णन होता है वो भी इसमें आ जाएगा। चौथा बिंदु कि मैंने इसमें ज्ञान के आधार से सबसे ज्ञानी कौन है और सबसे अज्ञानी तो कौन है इसका अर्प बहुत किया है, तो सबसे ज़्यादा ज्ञानी कौन है, अरंत भगवान, उसके बाद श्रुत, उसके बाद गणधरदेव, श्रुत केवरी, और सबसे ज़्यादा अज्ञानी कौन है, वर्तमान मनुष्य। तो इस प्रकार मैंने इसका थोड़ा अर्पभूत करने का प्रयास किया है। पांचवा बिंदु, जो अन्य मति हैं, अन्य मतियों में आपने देखा होगा कि मुसलमानों में कुरान, हिंदुओं में गीता, इन सभी का बहुत विस्तार से वो लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ पे इतनी एक लाख श्लोक प्रमाण जिनवाणी उपलब्ध है, लेकिन हम ये कहें कि हमारे तो एक मध्यम पद में कितने 1634 करोड़ अक्षर, इतने यदि आप अपने तोतर श्लोक प्रमाण को जोड़ने जाओगे तब भी एक मध्यम पद प्रमाण जिनवाणी आपकी नहीं हो पाएगी। तो अन्य मतियों से अपनी जिनवाणी बहुत बड़ी है, अगाध है। अब देखिए कोई लोग कहते हैं कि मात्र ज्ञान ज्ञान से आपको उच्च गति की प्राप्ति हो जाएगी, मैंने यहाँ पे रुद्र का उदाहरण लिया है कि जो बिना संयम आदि के मात्र ज्ञान से उच्च गति की प्राप्ति नहीं होती। जैसे रुद्र जो होता है वो 10 ज्ञान का धारी होता है, 10 पूर्व का धारी होता है, तो भी वो असंयम होने से नरक गति को प्राप्त करता है, 10 पूर्व का धारी होने से नरक गति को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से मात्र ज्ञान से नहीं, आपको संयम, चारित्र इत्यादि सभी का संग्रह चाहिए उच्च गति को प्राप्त करने के लिए। अब हमारा इसमें प्रयोजन क्या है, हम इतनी बड़ी जिनवाणी तो पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें एक मैंने और निकाला था कि यदि हम दिन भर में 10,000 शब्द मैक्सिमम बोलते हैं, औसतन सभी 10,000 शब्द बोलते हैं, यदि प्रत्येक व्यक्ति जिनवाणी को बोलने जाएगा तो उसको 631 वर्ष ये पूरे आप अपुनरुक्त अक्षर बोलने में लग जाएंगे, कितने 631। तो हमारी उतनी तो उम्र है नहीं, क्योंकि इतनी उम्र तो चौथे कार में होती है। तो इस प्रकार से तो हमारे प्रयोजन भूत क्या है, प्रयोजन भूत तो हम अपनी आत्मकल्याण रूप जो बातें हैं जो समय सार में कहा जाता है तो वो बातें निकालें, प्रयोजन भूत बातों को निकालें और अन्य का अध्ययन करें तो मात्र उपयोग लगाने के लिए, हमारा उपयोग कहीं भटके ना, हम अशुभ में ना जाएं, शुभ उपयोग में रहें, तो इसलिए। लेकिन प्रयोजन भूत बातें निकालने के लिए तो हमें जो प्रयोजन भूत जिनवाणी है उसका ही पठन करना चाहिए, उसका ही पाठन करना चाहिए। इस प्रकार मेरा विषय था, हम भी इस द्वादशांग में से प्रयोजन भूत बातों को निकाल कर उसका अध्ययन कर अपनी आत्मा का कल्याण करें, इसी मंगल भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय। जब द्वादशांग का विषय वर्णन इतना बड़ा था तो उसका विषय कितना बड़ा होगा इसका अनुमान तो आपको लग ही गया होगा। सभी वक्तागणों से निवेदन है कि हो सकता है कि
आपका विषय बहुत ही लंबा हो, परंतु हम भी समय सीमा से बंधे हुए हैं, अतः सभी समय सीमा का बहुत बहुत ध्यान रखें और अपने समय सीमा में ही वक्तव्य प्रस्तुत करें। आगामी वक्ता के रूप में मैं बुलाना चाहूँगा वरिष्ठ उपाध्याय से भाई अनुज जैन को, जिनका विषय है सम्यक ज्ञान के 8 अंग। अगले वक्ता के रूप में तैयार रहे विनम्र जैन, प्रथम वर्ष। ओम नमः सिद्धेव्या। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पूज्य गुरुजन वर्ग एवं सभा में बैठे सभी साधर्मी जनों को मेरा श्रद्धात्मक वंदन। आज के इस प्रवर्तमान गोष्ठी में मेरा प्रतिपादित विषय है सम्यक ज्ञान के 8 अंग। तो इस विषय को हम 3 बिंदु के माध्यम से समझेंगे। तो पहला बिंदु है सम्यक ज्ञान का सामान्य अर्थ, दूसरा बिंदु है सम्यक ज्ञान के 8 अंग, और तीसरा है 8 अंगों का अर्थ एवं विश्लेषण। तो चलिए पहले बिंदु से शुरुआत करते हैं। पहले सम्यक ज्ञान के सामान्य अर्थ, तो सम्यक ज्ञान के सामान्य अर्थ बताते हुए रत्नग्रंथ शावकाचार्य में आचार्य सामंत भद्र ने कुछ इस प्रकार बताया है कि जो ज्ञान वस्तु को न्यूनता रहित एवं अधिकता रहित एवं एवं न्यूनता रहित अधिकता रहित एवं न्यूनता रहित अधिकता रहित एवं वस्तु को जैसा का तैसा बताए उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। तो यह तो हुआ सम्यक ज्ञान का सामान्य अर्थ। तो इसके 8 अंग होते हैं, तो उन 8 अंगों को जानने के लिए हम अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। तो यह 8 अंग कुछ इस प्रकार है, जिसको आचार्य अमृतचंद्र ने अपने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में बताया है कि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के गाथा नंबर 36 में कुछ गाथा नंबर 36 में उन 8 अंगों का नाम बताया है, जो कि इस प्रकार है। पीपीटी के माध्यम से आप देख ही सकते हैं। इन 8 अंगों का नाम है व्यंजनाचार, अर्थाचार, शब्दाचार, व्यंजनाचार, अर्थाचार, उभयाचार, उभयाचार और कालाचार, विनयाचार, उपमानाचार और बहुमानाचार और अनिन्नवाचार। यह तो हुए सम्यक ज्ञान के 8 अंग। तो इसका विस्तार से जानने के लिए हम बढ़ते अगले बिंदु के ओर। अगला बिंदु है सम्यक ज्ञान के 8 अंगों का अर्थ एवं विश्लेषण। तो पहला अंग है व्यंजनाचार। तो व्यंजनाचार का अर्थ कुछ इस प्रकार है कि जिसमें सिर्फ शब्द मात्र से जान पाना हो उसे व्यंजनाचार कहते हैं। जैसे कि किसी भी श्लोक का पाठ करते वक्त सिर्फ उसको श्लोक जैसे ही श्लोक पाठ करते वैसे ही उसका अर्थ समझ में आए उसे ही व्यंजनाचार कहते हैं। अगला है अर्थाचार, जिसके किसी अर्थाचार का अर्थ है कि जहाँ अर्थ मात्र के प्रयोजन से ही जान पाना हो उसे अर्थाचार कहते हैं। जैसे कि किसी भी श्लोक का पाठ करे तो उसका अर्थ समझ में ना आए तो उसके लिए अर्थ पढ़ना जरूरी है। तो अगला है उभयाचार। उभयाचार मतलब जहाँ शब्द एवं अर्थ दोनों मात्र से अर्थ जान पाना हो उसे उभयाचार कहते हैं। तो इसमें कुछ मतलब उभयाचार में व्यंजनाचार भी है और अर्थाचार भी है, दोनों का भी एक साथ लिया गया है। और अगला है कालाचार। कालाचार में क्या है कि जिस समय जिस ज्ञान का विचार हो उसी ज्ञान का अध्ययन करना चाहिए, अर्थात कालाचार है। और एवं साथ ही साथ अयोग्य काल में, जैसे कि संधि कालों में या फिर अष्टमी चतुर्दशी पर्व के कालों में एवं संधि कालों में और अष्टमी चतुर्थी जैसे पर्व के कालों में साथ ही साथ उल्कापात एवं अतिवृष्टि के कालों में
अतिवृष्टि के कालों में वगैरह जिनवाणी का पाठ एवं सिद्धांत ग्रंथों का पाठ स्वाध्याय नहीं करना चाहिए एवं ऐसे कालों में अनुप्रेक्षात्मक हम जिनवाणी का पाठ स्वाध्याय कर सकते हैं। अगला अंग है विनयाचार। विनयाचार में क्या है कि शास्त्र विनयाचार में मन वचन काय से शास्त्र की विनय करना, मतलब मन वचन काय से स्वाध्याय करना एवं जिनवाणी का श्रद्धान करना और स्वाध्याय करते समय जिनवाणी को उच्चासन पे रखना, जिनवाणी ग्रंथ को वेस्टर्न लगाना एवं साथ ही साथ हाथ पैर धोकर जिनवाणी का स्पर्श करना, यह सब विनयाचार में आता है। अगला है उपदानाचार। उपदानाचार में क्या है कि धारणा सहित ज्ञान को भूलना नहीं, उसे ही उपदानाचार कहते हैं। मतलब धारणा सहित जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है, जैसे किसी श्लोक का किसी छंद का अर्थ हमने जान लिया है, मर्म जान लिया है, तो उसे कभी भूलना नहीं, उसे ही उपदानाचार कहते हैं। अगला है बहुमानाचार। बहुमानाचार में क्या है कि बहुमानाचार में कुछ बहुमानाचार में ऐसा ऐसा है कि किसी भी बहुमानाचार में किसी भी ग्रंथ को बहुमानाचार में शास्त्र एवं उसके पाठनकर्ता का संपूर्णतः आदर करना एवं जिनवाणी ज्ञान का आराधन करना, उसे ही बहुमानाचार कहते हैं। अगला है अनिन्दवाचार। अनिन्दवाचार यह अंतिम अंग है। इसका अर्थ कुछ इस प्रकार है कि जिन गुरु एवं जिन शास्त्र के कारण हमें ज्ञान मिला है उसको कभी भूलना नहीं एवं उसके को भी भूलना नहीं, उसे ही अनिन्दवाचार कहते हैं। तो यह 8 अंग तो सम्यक ज्ञानी के होते, तो इसको हमें जानकर क्या फ़ायदा। तो यह सब 8 अंग हमें जानकर अपने स्वाध्याय में लगाकर इसका सच्चा स्वाध्याय में लगाकर सम्यक ज्ञान प्राप्त करके जल्द ही सच्चा सुख प्राप्त करें, यही मेरी सत्मान। सम्यक ज्ञान के 8 अंगों को समझाने का बहुत अच्छा प्रयास किया भाई अनुज ने। अब मैं आगामी वक्ता के रूप में बुलाना चाहता हूँ शास्त्री प्रथम वर्ष से भाई विनम्र जैन। वे आएँ तथा आगम और अध्यात्म की शैली अपना विषय प्रस्तुत करें तथा आगामी वक्ता के रूप में वरिष्ठ उपाध्याय से भाई विराग जैन तैयार रहें। जय श्री ओम नमः शिवाय। आज की प्रवर्तमान गोष्ठी जिसका नाम देव शास्त्र गुरु है, इसमें मेरा विषय आगम और अध्यात्म की शैली पर है। तो मैंने अपने विषय को 4 बिंदुओं में विभाजित किया है। पहला, आगम और अध्यात्म का सामान्य स्वरूप। दूसरा, नयों की अपेक्षा से आगम और अध्यात्म। तीसरा, आगम और अध्यात्म में सामान्य अंतर। और चौथा, उपसंहार। तो सबसे पहले हम आगम और अध्यात्म की परिभाषा जान लेते हैं। तो जिनमें सर्वज्ञ देव के द्वारा बताए गए सम्यक सिद्धांत का रत्नात्रय का, व्रतादि का, क्षय द्रव्यों का वर्णन होता है, उन्हें आगम कहते हैं। और मिथ्या राग द्वेष आदि के विकल्प के त्याग से स्वशुद्धात्मा में जो अनुष्ठान होता है उसे अध्यात्म कहते हैं। पंडित बनारसी दास जी ने अपनी परमार्थ भजनिका में आगम और अध्यात्म की परिभाषा दी है कि वस्तु का जो स्वभाव है वह आगम है और आत्मा का जो अधिकार है वह अध्यात्म है। तो वस्तु का जैसा स्वभाव है वह बतलाना आगम का उद्देश्य है, लेकिन जो आत्मा का हित है वह अध्यात्म के द्वारा ही प्राप्त होता है। संक्षेप में कहें तो आगम वस्तु स्वरूप को समझाने के लिए बुद्धि को फैलाता है और अध्यात्म उन सब में से बुद्धि को समेटकर आत्मसन्मुख करता है। अब 4 अनियों की अपेक्षा से देखें तो प्रथमानियोग, करणानियोग और चरणानियोग, इन 3 को तो आगम में रखा जाता है और जो द्रव्याणियोग है उसको, द्रव्याणियोग को अध्यात्म में रखा जाता है।
लेकिन वस्तुतः कोई भी ग्रंथ शत प्रतिशत ना आगम का होता है ना अध्यात्म का, लेकिन आगम और अध्यात्म की शैली की मुख्यता और गौणता के कारण ही इनमें ऐसा विभाजन कर दिया जाता है। अब हम नयों की अपेक्षा से आगम और अध्यात्म को जानते हैं तो नए चक्र में निश्चय और व्यवहार ये दो नए स्वीकार किए गए हैं और इनके हेतु होने से द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक इनको भी मूल नए कहा जाता है। फिर इससे यह निर्णय होता है कि जो निश्चय और व्यवहार हैं वह अध्यात्म के नए और द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक यह आगम के नए हैं। यद्यपि आगम के नयों में भी अध्यात्म का वर्णन मिलता है क्योंकि जो छह द्रव्य हैं उनमें आत्मा आ ही जाता है, लेकिन जब आगम ग्रंथों में आत्मा की चर्चा होती है तो वह वस्तु स्वरूप के प्रतिपादन की अपेक्षा से होती है, अध्यात्म या आत्मकल्याण की अपेक्षा से नहीं। और निश्चय व्यवहार यद्यपि अध्यात्म के नए हैं लेकिन जब उनमें आत्मा के अलावा अन्य द्रव्यों के संदर्भ में चर्चा होती है तो आगम के नयों के अनुसार होती है। अब हम आगम और अध्यात्म में कुछ सामान्य अंतर जान लेते हैं। तो आगम और अध्यात्म में मूलभूत अंतर तो यही है कि आगम में छह द्रव्यों की मुख्यता से वर्णन होता है और जो अध्यात्म है अध्यात्म में आत्मकल्याण की के उद्देश्य से वर्णन होता है। और आगम की शैली में वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन मुख्य रहता है और अध्यात्म की शैली में आत्मकल्याण ही मुख्य रहता है। अन्य कुछ और अंतर जाने तो आगम में पर्याय के कल्याण की बात कही जाती है, लेकिन जो अध्यात्म में कहा जाता है कि आत्मा तो कल्याण में ही है। आगम कहता है कि आत्मा उत्पाद व्यय द्रव इन तीनों रूप है, लेकिन अध्यात्म कहता है कि आत्मा द्रव रूप है। आगम की अपेक्षा से जीव द्रव है और अध्यात्म की अपेक्षा से जीव तत्व है। आगम को तो अन्य मत वाले भी स्वीकार करते हैं, लेकिन जो अध्यात्म है अध्यात्म का सिद्धांत कुछ बिरले ही कर पाते हैं। और अन्य कुछ अंतर आप PPT के माध्यम से देख सकते हैं। मुख्य रूप से जिनागम की उक्त दोनों धाराओं में विषय वस्तु और शैली की भिन्नता से दुर्भाग्यवश इनका एकांत ग्रहण हो जाता है और अध्यात्म को मानने वाले लोगों को दूसरे पक्ष वाले निश्चय वाले कहते हैं और जो आगम को मानने वाले लोग हैं उनको दूसरे पक्ष वाले व्यवहार वाले कहते हैं। इसलिए आगम और अध्यात्म दोनों का सही स्वरूप समझना अत्यंत आवश्यक है। मुख्य और वस्तु स्थिति तो यह है कि आगम की ठोस नींव पर ही अध्यात्म का भव्य महल खड़ा होता है। आगम यदि एक विशाल वृक्ष है तो अध्यात्म उसमें लगने वाले फल हैं। आगम यदि एक विशाल देश है तो अध्यात्म उस देश में बना हुआ अपना स्वयं का एक आवास स्थल है। आगम यदि दूध है तो अध्यात्म उससे प्राप्त होने वाला घी है। इसलिए इन दोनों में भेद नहीं है अपितु ये एक दूसरे के पूरक ही हैं। अतः हम आगम और अध्यात्म का यथार्थ स्वरूप समझकर आगम के मार्ग पर चलकर अध्यात्म की मंजिल को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना से मैं अपने वाणी को जान लेता हूं। बहुत ही अच्छा विषय प्रस्तुत किया भाई विनम्र ने। हमने देव का स्वरूप समझा, हमने शास्त्र का स्वरूप समझा, आइए चलते हैं गुरु के स्वरूप की ओर। इस विषय को प्रस्तुत करने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा भाई विराग जैन वरिष्ठ उपाध्याय से तथा अग्रिम वक्ता के रूप में तैयार रहें अनमोल जैन शास्त्री प्रथम वर्ष। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय मंच एवं यहाँ उपस्थित सभी भावी सिद्धों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। तो आज की इस प्रवर्तमान गोष्ठी का विषय है देव शास्त्र गुरु, जिसमें से मेरा प्रतिपाद्य केंद्र बिंदु है गुरु का सामान्य स्वरूप। तो मैं इस विषय को दो मुख्य बिंदु के माध्यम से समझाऊंगा, गुरु का सामान्य स्वरूप और दूसरा आचार उपाध्याय का स्वरूप। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं अपने पहले बिंदु को। तो हमारा पहला बिंदु है गुरु का सामान्य स्वरूप। गुरु का सामान्य स्वरूप, तो गुरु अर्थात कौन, पहला प्रश्न यह उठता है कि गुरु अर्थात कौन, क्या अर्थ है गुरु का। तो गुरु का अर्थ महान होता है। लोक में अध्यापक को गुरु कहते हैं, माता पिता भी गुरु कहलाते हैं, परंतु यहाँ इसका अर्थ ऐसा बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि मोक्ष मार्ग के प्रकरण में आचार उपाध्याय साधु गुरु कहलाते हैं।
पांडे राजमल जी अपने ग्रंथ पंचाध्याय के 637वें नंबर श्लोक में लिखते हैं कि वह गुरु यद्यपि सामान्य रूप से एक प्रकार का है परंतु सत्य की विशेष अपेक्षा से तीन प्रकार का कहा गया है, आचार, उपाध्याय व साधु। पांडे राजमल जी उसी का उदाहरण देते हैं कि अग्नित्व, सामान्य रूप से अग्नि एक प्रकार की होकर भी तृण की, पत्र की, लकड़ी की अग्नि इस प्रकार से तीन प्रकार की कही जाती है। आगे आचार्य समंत देव अपने रत्नकंड साहब के 10वें श्लोक में चार विशेषणों द्वारा गुरु का स्वरूप बताते हैं। तो पहला है जो पांच इंद्रियों के विषयों में की आशा व वांछा से रहित हो, जो छह काय के जीवों का जिसमें घात होता है ऐसे आरंभ से रहित हो, छह काय के जीवों का घात होता है ऐसे आरंभ से रहित हो, और अंतरंग बहिरंग समस्त परिग्रह से रहित हो, और ज्ञान ध्यान तप में आसक्त हो, इन चार विशेषणों के द्वारा जो शोभित हैं, इन चार विशेषणों के द्वारा जो शोभित हैं वही गुरु प्रशंसनीय हैं। फिर आगे आचार्य अपराध सूरी अपने ग्रंथ विजयोदया में श्लोक नंबर 300 में कहते हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र इन तीन गुणों के द्वारा जो बड़े बन चुके हैं वह गुरु कहलाते हैं, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये तीन परमेष्ठी गुरु हैं। फिर आगे आचार्य ब्रह्मचारी रायमल जी अपने ग्रंथ ज्ञानानंद सापकाचार में जिनने मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त कर लिया है, जिन्होंने राज्य लक्ष्मी को छोड़कर मोक्ष लक्ष्मी के को प्राप्त कर लिया है, कर रहे हैं, और अंतरंग बहिरंग परिग्रह से रहित हैं, और अनिमा महिमा आदि रिद्धियों सहित हैं, और 28 मूलगुणों का में भी अतिचार नहीं लगाते हैं, पांच समिति का पालन करते हैं, वह गुरु कहलाते हैं। फिर अब हम देखते हैं अपने दूसरे बिंदु को। तो हमारा दूसरा बिंदु था आचार, उपाध्याय, साधु का स्वरूप। तो अब सर्वप्रथम देखते हैं आचार्य का स्वरूप। तो आचार्य का स्वरूप पंडित टोडरमल जी अपने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के पहले अधिकार में कहते हैं कि उनमें जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की अधिकता से प्रधान पद प्राप्त करके मुनि संघ के नायक हुए हैं और मुनि संघ के नायक हुए और निर्विकल स्वरूपाचरण में मग्न रहते हैं। जो कदाचित धर्म के लोभी हैं उनको याचक देखकर करुणा बुद्धि से, रागांश के उदय से करुणा बुद्धि हो तो धर्मोपदेश देते हैं, और जो दीक्षा ग्राहक हैं उनको दीक्षा देते हैं, जो अपने दोषों को प्रकट करते हैं उनको प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं, ऐसे आचरण आचरने वाले आचार परमेष्ठी होते हैं। इसी प्रकार का भाव अन्य ग्रंथों में भी देखा जाता है, आप PPT के माध्यम से देख सकते हैं। अब देखते हैं उपाध्याय का स्वरूप। तथा जो पंडित टोडरमल जी अपने ग्रंथ मोक्ष मार्ग प्रकाशक के पहले अधिकार में लिखते हैं कि तथा जो बौद्ध जैन शास्त्रों के ज्ञाता होकर संघ में पठन पाठन आदि कार्यों को के अधिकारी हुए हैं, और जो समस्त जैन शास्त्रों का प्रयोजनभूत अर्थ जान एकाग्र अपने स्वरूप को ध्याते हैं, और कषायांश के उदय से, यदि कदाचित कषायांश के उदय से उपयोग स्थिर न रहे तो स्वयं वह शास्त्र को पढ़ते हैं और धर्म बुद्धियों को पढ़ाते हैं, ऐसे उपाध्याय परमेष्ठी होते हैं। अब देखते हैं साधु परमेष्ठी का स्वरूप। तो साधु परमेष्ठी के स्वरूप को पंडित टोडरमल जी अपने ग्रंथ मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ही पहले अधिकार में कहते हैं कि पुनश्च इन दो पदवी धारकों के बिना, अर्थात आचार उपाध्याय के बिना, समस्त जो मुनिपद के धारक हैं, समस्त जो मुनिपद के धारक हैं ऐसे मुनिराज और जो मुनिपद के धारक हैं जो आत्म स्वभाव को साधते हैं, जैसे अपना उपयोग परद्रव्य में इष्ट अनिष्टपना मानकर फंसे नहीं, वैसे उपयोग को साधते हैं, बाह्य में साधनभूत तपश्चर्या आदि क्रियाओं में प्रवर्तते हैं, भक्ति आदि क्रियाओं में प्रवर्तते हैं, ऐसे वह साधु होते हैं। तो आप भी आचार, उपाध्याय, साधु का स्वरूप समझकर मुनि पद धारण कर
अपना आत्मकल्याण करें, इसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। रत्नकरंड श्रावकाचार्य, मोक्ष मार्ग प्रकाशक आदि अनेक ग्रंथों का अध्ययन करके गुरु का स्वरूप हम तक पहुंचाया भाई विराग ने। अब मैं उन्हीं गुरुओं के मूल गुणों में समन्वय बिठाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं भाई अनमोल शास्त्री प्रथम वर्ष से, वे आए तथा अपना विषय प्रस्तुत करें तथा आगामी वक्ता के लिए तैयार रहें भाई यश जैन। ओम नमः सिद्धिव्या। आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं सभा में उपस्थित समस्त सादर्मियों को मेरा सादर जय जैन। तो आज की इस प्रवर्तमान गोष्ठी देवशास्त्र गुरु, जिसमें मेरा प्रतिपादक केंद्र बिंदु है गुरुओं के मूल गुणों में समन्वय, तो सर्वप्रथम हम यह देखते हैं कि गुरुओं में कौन कौन से परमेष्ठी आते हैं। तो गुरुओं में आचार, उपाध्याय और साधु परमेष्ठी आते हैं। अब हम देखते हैं आचार परमेष्ठी के कितने मूल गुण होते हैं। आचार परमेष्ठी के 36 मूल गुण होते हैं, जिसे हम एक छंद के माध्यम से देखते हैं। द्वादशांक दश धर्म जुत पाले पंचाचार, षट आवश्यक गुरुक्ति तय आचार जगुणसार। तो क्या कहा, द्वादश तप अर्थात 12 तप, 10 धर्म, पंचाचार, षट आवश्यक और 3 गुप्ती। इस प्रकार आचार परमेष्ठी के 36 मूल गुण थे। अब हम देखते हैं तप, तप के बारे में। तो तप दो प्रकार के होते हैं, अंतरंग तप और बहिरंग तप। सर्वप्रथम हम देखते हैं बहिरंग तप, जो कि हैं अनशन, उमोदर, वृत्ति पर संख्यान, रस परित्याग, विविध सयासन और कार्कलेश। इसके बाद आते हैं अंतरंग तप, जो कि हैं विनय, वैयाव्रत, विनय, वैयाव्रत, प्रायश्चित, व्युत्सर्ग, स्वाध्याय और दान। इसके बाद आते हैं दस धर्म। दस धर्म के लिए आचार्य उमासमी तत्वार सूत नामक ग्रंथ में अध्याय 9 के 6वें सूत्र में लिखते हैं, उत्तम क्षमा मार्दवादव सत्य शौच संयम तपस संयम तपस्त्याग अकिंचन ब्रह्मचर्याणी धर्मा। इसके बाद आते हैं पंचाचार। तो प्रथम है दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, वीर्याचार और तपाचार। इसके बाद आती हैं गुप्तियाँ। तो गुप्तियाँ 3 होती हैं, मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। तो इस प्रकार हमने अभी आचार परमेष्ठी के 36 मूल गुण देखे। इसके बाद आते हैं उपाध्याय परमेष्ठी। उपाध्याय परमेष्ठी 11 अंग और 14 पूर्व के धारी होने से 25 मूल गुण के उनके 25 मूल गुण कहे जाते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं 11 अंगों के नाम, आचरांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग और व्याख्या प्रज्ञप्ति, ज्ञात कथांग, उपासक अध्यांग, अंतकृतांग, अनुत्तरोपपदाक दशांग, विपाक सूत्रांग, प्रश्न व्याकरण। तो इस प्रकार 11 अंग के नाम थे। अब आते हैं 14 पूर्व, जिनके नाम हैं उत्पाद पूर्ण, अग्रायणी पूर्व, वीर्यानुवाद पूर्ण, अस्ति नास्ति प्रवाद पूर्ण, ज्ञान प्रवाद पूर्ण, सत्य प्रवाद पूर्ण, आत्म प्रवाद पूर्ण, पित्तख्यान प्रवाद पूर्ण, विद्यानुवाद प्रवाद पूर्ण, कल्याण प्रवाद पूर्ण, प्राण प्रवाद पूर्ण, क्रिया विशाल पूर्ण और अंतिम है लोक बिंदु पूर्ण। तो इस प्रकार अभी हमने उपाध्याय परमेष्ठी के 25 मूल गुण देखे। अब आते हैं साधु परमेष्ठी। साधु परमेष्ठी के 28 मूल गुण होते हैं, जिसे हम एक छंद से देखते हैं। समताधर वंदन करें, नाना थुति बनाए, प्रतिक्रमण स्वाध्याय जुत कायो सर्ग लगाए। तो कहते हैं 5 महाव्रत, 5 समिति, 6 आवश्यक, इंद्रिय विजय और 7 शेष गुण। तो अब हम देखते हैं 5 महाव्रत कौन कौन से होते हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों का मन वचन काय से त्याग कर देना ही 5 महाव्रत है। इसके बाद आती हैं 5 समिति, जो हैं ईर्ष्या समिति, भाषा समिति, ऐष्णा समिति, आदान निक्षेपण और अंतिम है प्रतिष्ठापन। अब षटावश्यक आचार परमेष्ठी के होते हैं, वे षटावश्यक ही साधु परमेष्ठी के भी होते हैं। इसके बाद आते हैं इंद्रिय विजय, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, इन पर विजय पा लेना ही इंद्रिय विजय है। वो अंत में आते हैं 7 शेष गुण, जो कि हैं स्नान का त्याग करना, भूमि पर शयन करना, वस्त्र त्याग करना, केश लॉन्च करना, दिन में एक बार अल्प आहार लेना,
अल्पहार लेना, दंत धोवन का त्याग और खड़े होकर आहार ग्रहण करना। इस प्रकार शास्त्र से गुण थे। अब आते हैं अपने दूसरे बिंदु पर, जो कि है गुरुओं के मूल गुणों में समन्वय। तो वास्तव में तो आचार उपाध्याय और साधु परमेष्ठी के मूल गुणों का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि जो मूल गुण उपाध्याय परमेष्ठी के होते हैं वे नियम से आचार परमेष्ठी के भी होते हैं। आचार परमेष्ठी आचार पदवी के धारी होने से तथा मूल संघ के नायक होने से पठन पाठन आदि की क्रिया नहीं कराते, किंतु साधु परमेष्ठी के जो मूल गुण होते हैं वे उपाध्याय और आचार परमेष्ठी दोनों में देखे जाते हैं। यहाँ पर मात्र पद के कारण आचार परमेष्ठी के कुछ विशेष मूल गुण कहे जाते हैं। वास्तव में तो आचार पद को त्याग कर ही साधु बनकर ही अरंथवासा को प्राप्त किया जा सकता है। अतः अभी हमने 89 मूल गुणों का स्वरूप समझा, किंतु अभी आचार उपाध्याय और साधु इन तीन गुरुओं के समन्वय रूप एक मुख्य मूल गुण रह गया है, जो कि है आत्माराधना करना। अतः हम भी आत्माराधना के मार्ग में अग्रसर हों, इसी मंगल भावना से अभी के बात को यहीं विराम देता हूँ। बहुत ही अच्छा विषय प्रस्तुत किया भाई अनमोल ने। देव शास्त्र और गुरु तीनों का स्वरूप हमने समझा, पर अब प्रश्न उठता है कि देव शास्त्र गुरु में उत्कृष्ट कौन है। तो ऐसे विषय को प्रस्तुत करने के लिए आ रहे हैं भाई यश जैन, शास्त्री प्रथम वर्ष से। अंतिम वक्तरी के रूप में तैयार है बहन प्राप्ति जैन, वरिष्ठ उपाध्याय। ओम नमः सिद्धिप्रिया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं सभा में उपस्थित सभी श्रोतागणों का मेरा श्रद्धात्म वंदन। आज की इस प्रवर्तमान गोष्ठी देव शास्त्र गुरु में मेरा केंद्र बिंदु है देव शास्त्र गुरु में उत्कृष्ट कौन। तो मैं इसे दो बिंदुओं के माध्यम से समझाऊंगा। पहला देव शास्त्र गुरु में उत्कृष्टता और दूसरा पंच परमेष्ठी में देव गुरु विभाजन। तो अब मैं अपने पहले बिंदु की ओर अग्रसर होता हूँ। तो सर्वप्रथम टोडरमंडी मोक्ष मार्ग प्रकाश कर चारवे अधिकार आखिर में लिखते हैं देव गुरु में सर्वधर्म तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ के आधार से ही धर्म है। यहाँ पर टोडरमल जी देव शास्त्र और गुरु शास्त्र और गुरु तीनों को ही सर्वोत्कृष्ट कहते हैं। बात अगर हम इस बात का देखें कि हमें चलने का ज्ञान मिल चुका है, काल की संख्या पर आपसे क्या क्या प्राप्त है, वहाँ से काल की शुरुआत में ली सब बल ना वहाँ पर कोई धर्म था ना धर्म उपदेश था कोई उपदेश था वहाँ पर जब ऋषभदेव ने दीक्षा ली तो वो मौन हो गए क्योंकि तीर्थंकर दीक्षा लेने के बाद कुछ उपदेश नहीं देते हैं। जब उन्हें केवल ज्ञान हुआ तब उन्होंने भव्य जीवों को उपदेश दिया और इस प्रकार फिर वहां से धर्म का प्रारंभ हुआ। उसके बाद अगर हम चौथे काल के आखिर में देखें तो जब जम्बू स्वामी का विरह हुआ तब काल के प्रभाव से धीरे धीरे जो मनुष्य की बुद्धि है वह मंद होने लगी। जब गुरुओं ने यह जाना कि मनुष्य की बुद्धि धीरे धीरे मंद होने लगी है तो उन्हें जनवाणी को लिपिबद्ध करने का विकल्प आया। उसके बाद उन्होंने जनवाणी अर्थात शास्त्र को लिपिबद्ध किया और इस प्रकार हमें शास्त्र मिले। इसी के बारे में आदरणीय बड़े पंडित जी की देव शास्त्र गुरु में एक पंक्ति आती है, इसे दोषा में भीषण काल में जिन देव का जब हो वे रह तब मात समय उपकार करते शास्त्र ही आधार है। यहाँ पर शास्त्र को ये कहा कि माता के समान उपकार करते हैं। उसके बाद अगर हम केवली करने वाली भक्ति में देखें तो वहाँ पर जनवाड़ी को केवली भगवान की कन्या अर्थात पुत्री कहा और उसी भक्ति में आगे जम्बू स्वामी गौतम गढ़धड़ आदि को जनवाड़ी का पुत्र कहा। उसके बाद अगर हम वस्तु व्यवस्था के अनुसार देखें तो जो महंतता और उत्कृष्टता है वह सिद्ध परमेष्ठी में ही भाषित होती है, क्योंकि अब ना ही उनका शरीर है ना ही उनके कोई कर्म है, वे तो मोक्ष में विराजमान हैं अपने आनंद में मस्त हैं, इसलिए महंतता उन्हीं में भाषित होती है। पर अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि जो महंतता और उत्कृष्टता है वह सिद्ध परमेष्ठी में भाषित होती है तो रमोकार मंत्र में अरहंत भगवान को सबसे पहले क्यों रखा। तो भैया हमें तो उपदेश का उपकार है और जो उपदेश है वह सबसे पहले अरहंत भगवान ने ही हमें दिया था, इसलिए हमने अरहंत भगवान को रमोकार मंत्र में सबसे ऊपर रखा है। और इस पंचम काल में जब पिता समान अरहंत का विरह है तो जनवाड़ी ही पिता का कार्य कर रही है, वही पिता के समान है। उसके बाद अगर हम शास्त्र और गुरु को उपलब्धता के अनुसार देखें तो शास्त्र तो हमें हर समय उपलब्ध हैं, हम उनका कभी भी अध्ययन कर सकते हैं, आधी रात को भी पढ़ सकते हैं, पर गुरु हमें हर समय उपलब्ध नहीं है। पर वहीं पर एक बात यह है कि अगर हमें जनवाड़ी पढ़ते टाइम कोई प्रश्न आ जाता है तो उस प्रश्न के समाधान के लिए हमें गुरु के ही पास जाना पड़ेगा, इसलिए जनवाड़ी को नित्य बोधनी और गुरु को तत्काल बोधक भी कहते हैं। पर अब यहाँ पर आखिर में वही प्रश्न आ जाता है
कि भैया देवशास्त्र गुरु में से उत्कृष्ट कौन है, तो जिस प्रकार घर में पिता और माता में से उत्कृष्ट कौन है यह निर्णय नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों ही अपने अपने स्थान पर उत्कृष्ट हैं। उसी प्रकार यहाँ पर देवशास्त्र और गुरु तीनों ही अपने अपने स्थान पर सर्वोत्कृष्ट हैं। तो अब मैं अपने दूसरे और अंतिम बिंदु की ओर आगे बढ़ता हूँ, पंच परमेष्टि में देव गुरु विभाजन। तो सर्वप्रथम छेड़ाला में आचार्य उपाध्याय और साधु परमेष्टि को अंतरात्मा के रूप से गुरु में लिया, उसके बाद सिद्ध परमेष्टि और अरहंत परमेष्टि को सकल निकल के भेद से देव में लिया, उसके बाद ज्ञानानंद श्रावकाचार्य के मंगलाचरण में अरहंत और सिद्ध भगवान को देव में लिया और बाकी तीनों को गुरु में लिया। उसके बाद ज्ञानानंद श्रावकाचार्य में ही पेज नंबर 4 में नमस्कार के स्वरूप में देव में सिद्ध परमेष्टि को लिया, यह कहा कि सिद्ध संज्ञा उन्हीं में शोभती है और बाकी चारों को गुरु संज्ञा दी। उसके बाद 16 कारण पूजन में अरहंत भगवान को परम गुरु कहा। उसके बाद जयचंद जी छावड़ा ने 12 भावना में शुद्धातम और पंचगुरु, यहाँ पर पांचों को ही गुरु की संज्ञा दी। उसके बाद तत्वार्थ सूत्र के 9वें अधिकार के 46वें सूत्र में 4 प्रकार के मुनि बनाए बताए, उसमें से अरहंत भगवान को स्नातक मुनि कहा। उसके बाद आखिर में परमात्म प्रकाश में आचार्य योगेंदु देव ने 11वें दोहे में पांचों ही परमेष्टि को गुरु की संज्ञा दी। तो इस प्रकार हम भी पंच परमेष्टि को स्वरूप को समझकर अपने आत्मा का कल्याण करें। इसी मंगल भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अनेक विद्वानों अनेक ज्ञानीजनों के मतों को यहाँ रखते हुए इनने हमारे प्रश्न का समाधान किया कि देवशास्त्र गुरु में से उत्कृष्ट कौन, और आपकी करतल ध्वनियाँ बताती हैं कि वास्तव में विषय बहुत अच्छा प्रस्तुत हुआ है। परंतु जैसा हमने सबसे पहले बताया था कि आप में से किसी एक विद्यार्थी को बुलाया जाएगा और किसी एक वक्ता के मुख्यबिंदु बताए जाएंगे, तो आप सभी ने मुख्यबिंदु तो लिखे ही होंगे, परंतु मैं यहाँ से बुलाता हूँ शास्त्री तिथि वर्ष से रोल नंबर 16 भाई ईशान जैन आए, और भाई प्रशांत जैन ने द्वादशांग का वर्णन जो विषय प्रस्तुत किया था उसके मुख्यबिंदु प्रस्तुत करें। ओम नमः सिद्धेभ्य। आज की गोष्ठी का विषय था देवशास्त्र गुरु का स्वरूप, उसमें भाई प्रशांत का विषय था द्वादशांग वर्णन, उसके मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार है। श्रुत ज्ञान के पद नामक भेद से पूर्व समास नामक भेद तक 20 भेद होते हैं। उसके बाद जो जिनवाणी के पद प्रमाण जानते हैं वो इस प्रकार है। पहले तो 11 अंग बताए थे, उसमें 4,15,02,000 पद हैं, और 12 अंग परिक्रम में 1,81,05,000 पद हैं। फिर सूत्र थे 88,00,000, और प्रथमानुयोग में 5,000 पद बताए गए थे, और पूर्व में 95,50,05,000 पद हैं, और चुलिका में 10,49,46,000 पद हैं। कुल पद हैं 112,83,58,005 पद होते हैं। फिर बताया था व्याकरण वर्ग में क्रिया विशाल पूर्व, और आयुर्वेदिक वर्ग में प्राणवाद प्राप्त होता है, तो क्रिया विशाल में 9,00,000 पद बताए गए थे, और द्वादशांग में सबसे अधिक पद पूर्व के अंतर्गत आते हैं और सबसे कम पद प्रथमानुयोग के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार मैंने मुख्य बिंदु लिखे चाहिए। बहुत अच्छे मुख्य बिंदु प्रस्तुत किए भाई ईशान ने। अब मैं अंतिम वक्त्री के रूप में बुलाना चाहूंगा बहन प्राप्ति जैन को, वे आए तथा अपना विषय प्रस्तुत करें स्व कल्याण में देवशास्त्र गुरु का स्थान। सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज की गोष्ठी में मेरा विषय है स्व कल्याण में देवशास्त्र गुरु का स्थान। तो मैं मेरे विषय को 5 बिंदुओं के माध्यम से प्रस्तुत करूंगी। उसमें से सर्वप्रथम है कि स्व कल्याण अर्थात क्या। तो स्व अर्थात स्वयं, और स्वयं अर्थात मैं,
और मैं से हमें यहाँ पे अपने शरीर को नहीं लेना है, मैं से हमें यहाँ पर आत्मा को लेना है, और आत्मा में भी हमें अन्य किसी की आत्मा को नहीं लेना है, स्वयं की आत्मा को लेना है। तथा कल्याण का शाब्दिक अर्थ मंगल करना या फिर भला करना ऐसा प्राप्त होता है। तो स्वयं की आत्मा का भला करना ये होता है स्वकल्याण। पर स्वयं का भला करना अर्थात क्या? स्वयं का भला करना अर्थात अपने प्रयोजन की सिद्धि करना। अपना प्रयोजन क्या है? तो सुखी होना और दुख को दूर करना अर्थात मोक्ष को प्राप्त करना और संसार के दुखों से छूटना, ये स्वकल्याण है। और स्वकल्याण का अर्थ यदि हम एक शब्द में देखें तो वो होगा आत्महित। और आत्महित को अगर मतलब आत्महित यदि हमें करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें सम्यक दर्शन प्रकट करना होगा। और छड़ाला में भी कहा है कि मोक्ष मेल की प्रथम सीढ़ी सम्यक दर्शन है। तथा अब सम्यक दर्शन में देश शास्त्र गुरु का क्या स्थान है? तो इन तीनों के श्रद्धान से भी हमें सम्यक दर्शन हो सकता है। रत्नकरण श्रावकाचार में यही बात आई है कि जो जीव सच्चे देश शास्त्र गुरु के ऊपर पूर्ण रूप से श्रद्धान करता है उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि देव का हमारे स्व कल्याण में विशिष्ट रूप से क्या स्थान है। तो हम सभी जानते हैं कि देव की परिभाषा क्या है, कि जो सच्चे जो वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं वे सच्चे देव होते हैं। और सच्चे देव में हम अरहंत और सिद्ध इन्हें लेते हैं। और अरहंत और सिद्ध में जो सिद्ध परमेष्टि है वे उनके जैसा बनना हमारा उद्देश्य है। हम चाहते हैं कि हम भी सिद्ध जैसे बने क्योंकि वो भी परम सुख का अनुभव करते हैं और हम भी वैसा ही करें। पर हम सबसे पहले अरहंत देव को नमस्कार करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि सिद्ध भगवान तो सिद्ध हो चुके हैं, परंतु जो अरहंत भगवान हैं उन्होंने हमें हमारे हित का उपदेश दिया है और उन्हीं के द्वारा सिद्ध कैसे बना जा सकता है वो हमें प्राप्त हुआ है। अतः उनके द्वारा हमें देशना लब्धि प्राप्त हुई है, इसलिए हम उन्हें पहले नमस्कार करते हैं। तथा मोक्षमार्ग प्रकाशक में भी आया है कि जो जीव अरहंत आदि देव को देव के अनुसार प्रवर्तन करता है और उनके स्वरूप का विचार करता है उसके तत्काल निमित्तभूत होकर उसके रागादिक नष्ट हो जाते हैं और उसको भेद विज्ञान होता है। तथा प्रवचन सार में भी आया है कि जो जीव अरहंत आदि देव को द्रव्यपने गुणपने और परायपने से जानता है वह अपने आत्मा को ही जानता है। अब इतना देखने से हमें ये मालूम पड़ता है कि यदि हम अरहंत आदि देव को द्रव्य गुण पर्याय से जानते हैं और अपने स्वसन्मुख होते हैं तो हमारे कर्मों का भी नाश होता है और हमारा कल्याण भी होता है। अब हम देखते हैं कि शास्त्र का क्या स्थान है। तो देव की वाणी जिसमें आई है ऐसी जिनवाणी होती है, अर्थात देव का उपदेश हमें प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त तो हुआ नहीं है, परंतु जिनवाणी के माध्यम से हम उनकी बात को समझ सकते हैं। और वी शासन जयंती की पूजन की जयमाला में भी आया है कि जो जीव जिनवाणी को पढ़ता है और समझता है तो उसको शीघ्र ही परमात्मा पद की प्राप्ति होती है। तथा जैसे आचार्य अपनी टीका प्रवचन सार की टीका में लिखते हुए कहते हैं कि कोई भव्य जीव सर्वप्रथम तो वीतरागी सर्व के देव द्वारा प्रतिपादित शास्त्रों को शुद्ध ज्ञान से जानता है और आगे चलकर रागादिक को नष्ट करके उसी आत्मा को और विशिष्ट रूप से जानता है। तथा जो भव्य मोक्षार्थी अपना कल्याण चाहते हैं वे शास्त्र अभ्यास अवश्य ही करें। और जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से पदार्थों को जानता है उसका मोह का क्षय अवश्य ही होता है, इसलिए हमें सम्यक प्रकार से आगम का अध्ययन करना चाहिए। इतना जानने से हमें ये मालूम पड़ता है कि कि अगर हमें देव को जानना है तो हमें उन शास्त्र अभ्यास करना ही चाहिए। अब हम देखते हैं कि गुरु का इसमें क्या योगदान है। तो शास्त्रों की जिन्होंने रचना करी है वे गुरु होते हैं। अर्थात यदि हमारे पास देव का जो उपदेश प्राप्त है वो गुरुओं के माध्यम से ही प्राप्त है। और देखा जाए तो कालांतर में अनेक शास्त्रों की रचना तो हुई है, परंतु उनमें से कई शास्त्रों में हस्तक्षेप भी हुआ है। तो कौन सी बात सही है कौन सी बात गलत है उसका निर्णय हम नहीं कर सकते हैं, और प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत शास्त्रों के बीच में निर्णय करना भी आवश्यक होता है। इसलिए आज के समय में हमें सच्चे गुरु की आवश्यकता का भान होता है। तथा प्रवचन सार में जो मुनिराज है अर्थात गुरु है उनको आगम चक्षु कहकर भी संबोधित करा गया है। और एक श्लोक भी प्राप्त होता है जिसमें कहा है कि जो गुरु को नमस्कार करते हैं उसमें कहा है कि जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है और ज्ञान रूपी काजल से हमारी चक्षु को उन्मीलित करते हैं ऐसे गुरु होते हैं। और अब इतना देखने के बाद हमें ये मालूम पड़ता है कि देव का उपदेश जिस शास्त्रों में हमें मिलता है और उसको समझने के लिए और उसमें प्रामाणिकता को पाने के लिए गुरु की भी आवश्यकता होती है।
अभी हमने जाना कि देव, शास्त्र और गुरु इन तीनों की अलग अलग रूप से हमारे स्व कल्याण में क्या विशेषता है। अब इतना देखने के बाद हमें ये मालूम पड़ता है कि यदि हम सच्चे देव, शास्त्र और गुरु को समझते हैं, उनको पहचानते हैं और उनके लिए तन मन धन से अर्पण होने की भावना यदि हमारे अंदर आती है तो हमारी प्रवृत्ति कुरीतियों की तरफ से हट जाती है, अर्थात कुगुरु, कुदेव और कुशास्त्रों की तरफ हमारी प्रवृत्ति नहीं जाती है, जिससे हमारे ग्रहित मिथ्यात्व का नाश हो जाता है। और आगे चलकर जब इस जीव को ऐसी श्रद्धा होती है कि देव, शास्त्र, गुरु के प्रति जो राग है वह भी पुण्य बंध का ही कारण है, तो फिर वो अपनी आत्मा को जानता है और अपने आत्मा को स्वभाव, आत्मा के स्वभाव को अपनाने का प्रयास करता है, जिससे आगे चलकर उसका पूर्व में ग्रहित मिथ्यात्व को तो नाश हो ही गया था परंतु अब उसके अग्रहित मिथ्यात्व का भी नाश हो जाता है और इससे उसका सच्चा सुख प्रकट हो जाता है। सच्चा सुख प्रकट हो जाता है अर्थात उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है और मोक्ष की प्राप्ति ही हमारा वास्तविक में आत्मकल्याण है। तो हम भी देव, शास्त्र, गुरु के सही स्वरूप को समझे और अपने आत्मकल्याण को करें। इसी मंगल भावना से मैं अपनी बात को यहीं विराम देती हूँ। जय जिनेंद्र। बहुत ही सारगर्भित विषय प्रस्तुत किया बहन प्राप्ति ने। इसी प्रकार सभी वक्ताओं का क्रम समाप्त होता है। एक बार जोरदार कर्तव्य ध्वनि से स्वागत करेंगे सभी वक्ताओं का। ये 5 मिनट का जो विषय है उसे प्रस्तुत करने के लिए पूरे पूरे 5 दिन और पूरा पूरा हफ्ता लग जाता है, इसलिए तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए। एक बार पुनः अब मैं सभा के अध्यक्ष आदरणीय संजय जी सेठी भाई साहब से निवेदन करूंगा, वे आए और गोष्ठी के विषय में अपने विचार प्रस्तुत करें तथा श्रेष्ठ वक्ताओं का भी चयन करें। ओम नमः सिद्धेभ्य। आज की गोष्ठी देवशास्त्र गुरु की, जो कि हमारा नया सत्र चालू हुआ है और प्रथम गोष्ठी है, विषय भी बहुत ही अच्छा और जितने भी वक्ताओं ने इसमें अपना वक्तव्य दिया सभी ने बहुत अच्छा दिया। उपाध्याय कनिष्ठ से लेकर के शास्त्री अंतिम वर्ष तक जिनको भी जो जो दिया गया है, देव का स्वरूप, शास्त्र का, गुरु का, इनके किस प्रकार की उपयोगिता है, सभी ने अपने अपने विषय के अनुसार पूर्ण अच्छी तैयारी करी है। मतलब सुनने में ऐसा लग रहा था कि कमी क्या ढूंढे, मतलब सबकी अच्छी तैयारी। हो सकता है कुछ एकाध विद्यार्थी को, क्योंकि तैयारी तो पीपीटी में सब में बहुत अच्छी थी, बस थोड़ा सा एक मंच का रहता है, माइक का रहता है, तो प्रॉपर एक प्रेजेंटेशन नहीं हो पा रहा था, लेकिन विषय के साथ न्याय था। वास्तव में जो इस प्रकार की हमारी गोष्ठी होती है, यही गोष्ठी हमारे अंदर शास्त्रों को समझने की और किस प्रकार से हम उसे समझाएं, उसकी तैयारी चालू होती है। जो हमारे नए कनिष्ठ उपाध्याय, कनिष्ठ के और वरिष्ठ के विद्यार्थी हैं, उनको तो एक मुख्यता रहती है कि कैसे कैसे वो 5 मिनट के अंदर उस विषय को समझाएं। एक हमारा विषय बहुत ही ज़्यादा जटिल भी था कि हमारे जो अनुयोग हैं वो 12 के 12, अब उसकी विषय वस्तु इतनी बड़ी थी कि इसको कैसे समेटा जाए। उसने पीपीटी बहुत बड़ी बनाई, हर एक एक चीज़ उसके कहाँ पे क्या बैठता है, नहीं बैठता है, क्या सब चीज़ें, तो करीब वो आधा एक घंटे का विषय उसने फिर भी कोशिश करी, 5 मिनट की जगह उसने फिर भी करीब 8-9 मिनट लिए। क्या करें, विषय इतना लंबा था। तो कोशिश करना चाहिए था हमारे को कि विषय कैसा भी हो लेकिन समय सीमा जो दी गई है हमें, हम उसी समय के अनुसार हमारे मुख्य मुख्य बिंदुओं की तैयारी करें। जरूरी नहीं कि विषय बहुत बड़ा है तो मेरे को सारा का सारा टॉपिक उसी समय बताना है, फिर टाइम का मैनेजमेंट भी हमारे को सीखना पड़ेगा। तो इसलिए सभी बच्चों ने देवशास्त्र गुरु के बारे में बहुत अच्छा वर्णन किया है, सारी पूजने इसकी लिखी हुई है, हमारी दादा की पूजा लिखी हुई है, पंडित जी साहब की लिखी हुई है, युगल जी की लिखी हुई है, सभी पूजनों के अंदर बहुत विस्तार से विश्लेषण भी है। इसलिए ऐसा भी नहीं है कि
कि हम इस विषय के लिए अनभिज्ञ रहें, है ना। रोज ही हम देवशास गुरु की पूजा करते रहते हैं, वीक में एक बार तो करते ही हैं, तो कैसे देव, कैसे शास और कैसे गुरु होते हैं, बस ये है कि उनका स्वरूप हमारे को समझ में आ जाए। और सबसे लास्ट में जो हमारी बिटिया प्राप्ति ने बताया कि इन तीनों के अंदर में हम किसकी मुख्यता रखें, ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि मुख्यता हम किसकी रखें। तो किसी एक की भी नहीं रख सकते या एक को भी नहीं हटा सकते, ऐसा तो हो नहीं सकता। बस जो हमारे को हमारे आत्म कल्याण में वर्तमान में साक्षात हमारा निमित्त भूत होते हैं, वही हमारे लिए मुख्य हो जाते हैं। तो ऐसा सभी बच्चों ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उस विषय का चुनाव किया और वक्तव्य दिया, बहुत ही अच्छी बात। सभी को जय जिने। जो श्रेष्ठ वक्ताओं के अंदर एक तो उपाध्याय वर्ग में प्रथम टॉप कौन आए हैं और एक शास्त्री में कौन आए हैं, तो उपाध्याय के अंदर सबसे पहले आए हैं कौन, चिराग जैन। बहुत अच्छा वक्तव्य था चिराग का, मतलब पहला ही वक्तव्य है। और उपाध्याय कनिष्ठ के ही हैं, कहाँ के हैं आप चिराग? कडेरी। अरे वाह, बहुत अच्छा, मतलब बहुत कॉन्फिडेंस चिराग का, मुझे लग नहीं रहा था ये कनिष्ठ का बच्चा है। मतलब आते ही इसने धुआंधार बैटिंग चालू करी, तो मैं कन्फ्यूजन में था कि पहला वक्ता भी इतना अच्छा होगा तो आगे के वक्तागणों का तो क्या चयन कर पाऊंगा, लेकिन बहुत ही अच्छा बोला। मतलब पहले वहाँ पे पाठशाला वगैरह में होंगे कंटिन्यू? अच्छा, सोनगढ़ पढ़ करके आए हैं। बहुत अच्छा चिराग का बहुत अच्छा रहा। और शास्त्री वर्ग में आए हैं हमारे विनर्म जैन, बहुत अच्छा। विनर्म का भी आगम और अध्यात्म की शैली का इनका वक्तव्य था, मतलब मोस्टली सभी के अच्छे थे, ऐसा नहीं है बहुत माइनर पॉइंट्स की ऊपर नीचे आ रहे हैं सभी लोग, मतलब सब बच्चों ने बहुत ही अच्छा बोला, इसलिए इन दोनों को बहुत बहुत बधाई। जय जी। दोनों ही श्रेष्ठ वक्ता एक बार अपने स्थान पर खड़े हो जावे एवं सभी लोग जोरदार कलतल ध्वनियों के माध्यम से मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा आदरणीय अध्यक्ष महोदय का। उन्होंने अपने गोष्ठी के अनुभव हमें बताए तथा जो भी सुझाव दिए हैं उन्हें अगली ही गोष्ठी से हम लागू करने का प्रयास करेंगे। तथा अब मैं शास्त्र भेंट करने के लिए आदरणीय अमन जी भाई साहब को आमंत्रित करता हूं, वे आए तथा आदरणीय अध्यक्ष महोदय को शास्त्र भेंट करें। तथा आभार प्रदर्शन के क्रम में मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय अमन जी भाई साहब को, वे आए तथा हमारे अध्यक्ष महोदय का आभार प्रदर्शन करें। आत्मनि आत्मनि तिष्ठतु। आज की देवशास्त्र गुरु गोष्ठी की अध्यक्षता हमारे अपने ही आदरणीय संजय जी सेठी भाई साहब ने की है। आपको उनका भाषण सुन के अनुमान तो लग ही गया होगा किस प्रकार के वे विद्वान हैं। आप इसी महाविद्यालय से अपने शास्त्री की पढ़ाई यहाँ से पूर्ण की है, उसके पश्चात आप अनेक कार्यों में संलग्न रहे हैं। तो आपकी सबसे बड़ी बात यह है कि आप जयपुर के ही निवासी रहे हैं और जब आपने यहाँ पे 5 वर्ष अध्ययन किया तो आपने घर रह के अध्ययन नहीं किया, आप यहाँ हॉस्टल में रह के ही अध्ययन किया है। ये अपना घर बाजू में ही है, बाजू के घर को छोड़ के या हॉस्टल में आना, तो आप समझ सकते हैं, आप सीख सकते हैं कि हॉस्टल की लाइफ कैसी होती है। उस लाइफ को छोड़ना आसान नहीं होता, भले घर को छोड़ सकते हैं ऐसा भाई साहब हमें बतलाते हैं। अब जब वो यहाँ पर रहते थे तो बार बार घर जाना ऐसा भी नहीं है, यहाँ पर आए तो पूरे यहाँ पर उन्होंने मन लगा के पढ़ाई की, अध्ययन किया है। और अन्ना जी की जो कंठपाठ योजना चलती थी उसमें भी आपका बहुत सक्रिय योगदान रहता था, अर्थात आपने अनेक विषयों को कंठपाठ
करके अन्ना जी को सुनाया है, और इसके पश्चात आप यहाँ पर रहे, आप अपना आजीविका हेतु कार्य भी करते हैं, आप वेल्थ मैनेजमेंट का काम करते हैं, बहुत अच्छा आपका वो काम चलता है, और वो काम जो चलता है आपका वो चलता ही है, उसके साथ साथ जो तत्व प्रचार की गतिविधियाँ हैं उसमें जरा से भी आप पीछे नहीं हटे हुए हैं। सुबह आप मंदिर जी आते हैं, दर्शन पूजन पाठ करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, इतनी पूरी गतिविधियाँ आप नियमित करते हैं, और शाम को समय निकाल के आप स्वाध्याय सुनते हैं, और घर में भी आप अपना प्रत्यक्ष स्वाध्याय करते हैं। ऐसे स्वाध्यायी जीव हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय हैं, और केवल आप नहीं हैं, आपका पूरा परिवार इस मार्ग में संलग्न है। आपकी धर्मपत्नी आदरणीय ज्योति जी भाभी, वो भी करणा नियोग में उनका अच्छी पकड़ है, चारों ही अनुयोग में आप कोई भी प्रश्न पूछें हर एक प्रश्न का उत्तर तुरंत आपको उनसे मिलेगा। आपने अपनी सुपुत्री को भी यहाँ से ही शास्त्री करवाया है, और सभी पूरा परिवार आपका इसी धर्म मार्ग में लगा हुआ है। आप सुबह पूजन में देखते होंगे कैलाश रंजीत सेठी जी भाई साहब ऊपर पूजन में आपको दिखते हैं, डेली प्रवचन जो होता है यहाँ पर आते हैं, वो आपके ही पिताश्री हैं, आपका पूरा ही परिवार इसमें लगा हुआ है। आप ऐसे ही तत्प्रभावना में संलग्न रहें, आपने अपना महत्वपूर्ण समय हमारे लिए दिया। ए तदर्थ महाविद्यालय परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त हम यहाँ से करते हैं। आज के जो वक्तागण हैं, आप सभी ने भी बहुत ही अच्छा विषय बनाया था, वो PPT से ख्याल में आ रहा था कितना आपने अध्ययन किया है, और पूरा प्रयास किया अच्छे से प्रस्तुति करने का, और आप सभी ने बहुत ही उपयोगपूर्वक सुना उस विषय को। ए तदर्थ आप सभी भी बधाई के पात्र हैं। जिन्होंने गोष्ठी का संयोजन किया, संचालन किया, ऐसे भाई अक्षय और विशाल, आपने भी बहुत सुंदर संचालन किया, ना ज़्यादा अधिक